हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो क्लॉक ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है और वहां पर कुछ नए फीचर को एड ऑन किया गया है। दोस्तों क्या नया अपडेट है और क्या फीचर को एड ऑन किया गया है, आगे आपको वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो उसके मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। पहले तो आपको जाना है अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे, माय अपडेट्स में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा सैमसंग क्लॉक का एक नया अपडेट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये नया अपडेट आया है और ये नया अपडेट कब रोल आउट हुआ है, आज ही के दिन ये रोल आउट किया गया है, 27 तारीख के दिन आप देख रहे हो ये अपडेट को रोल आउट किया। यहाँ पर क्या नया चेंजेस किए गए पहले आपको बता दूं। यहाँ पर क्या लिखा है, द क्लॉक स्टाइल ऑफ द एन क्लॉक क्लॉक विजार्ड हैज बीन चेंज्ड एंड अदर फीचर इंप्रूवमेंट एंड बग्स फिक्स। तो मैं पहले आपको एनालॉग क्लॉक का विजार्ड पहले दिखाता हूँ, अपडेट से पहले कैसा है और अपडेट के बाद कैसा दिखने वाला है, जो कि मुझे भी नहीं पता। तो मैं यहाँ आ गया हूँ होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद मैंने यहाँ पर विजार्ड को एड ऑन कर दिया है। आप देखेंगे ये विजार्ड आपको ऐसा दिखेगा एनालॉग क्लॉक का, जब आपने अपडेट नहीं किया होगा। अब कर लेते हैं इस ऐप को अपडेट और अपडेट करने के बाद देखते हैं कैसा वहां पर दिखता है। तो इसको मैं अपडेट होने देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि क्या फीचर है। और यहां पर अदर क्या लिखा है, अदर फीचर इंप्रूवमेंट किए गए, मतलब कि जो पहले के फीचर्स हैं कुछ जो कि बग्स होंगे उसको फिक्स किया गया है। बस सिंगल ही फीचर को यहाँ पर रोल आउट किया गया है, वो भी ये विजार्ड का, उसका जो विजार्ड का एनालॉग क्लॉक का जो विजार्ड है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो उसको होने देते हैं अपडेट, अपडेट के बाद देखते हैं। दोस्तों फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन में तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी बग्स है उसको फिक्स किया गया है। मेन चीज यहाँ पर विजार्ड है उसको चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले विजार्ड दिखाया था, पहले आप देखेंगे पहले कैसा था, अभी अपडेट के बाद विजार्ड आपको देख रहे हैं कितना शानदार लग रहा है। ब्लैक कलर कर दिया गया है, डार्क उसकी वो कर दी गई है, जो उसकी डंडियां है वो डार्क कर दी गई है, और जो सेकंड वाली है आप देखेंगे उसको रेड कलर कर दिया गया है, जो कि बहुत शानदार लग रहा है। पहले मैं आपको दिखाता हूं जो कि मैंने पहले स्क्रीनशॉट लिया था, पहले कैसा था, पहले आपको ऐसे दिखता था और अपडेट के बाद अब आप देखेंगे कितना शानदार लग रहा है यार। मुझे तो बहुत पसंद आया ये फीचर, बहुत प्यारी सी ये लग रही है। आपको लगाना हो अपने स्क्रीन पे तो क्या करना होगा, आपको यहां थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, यहां विजार्ड्स पे जाना है। विजार्ड्स पे जाने के बाद यहां पर जाना है आपको क्लॉक वाले ऑप्शन पे, और यहां पर आप देखेंगे आपको एनवलप क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है और ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे आ जाइए। आप देख रहे होंगे ये आ चुका है। तो ये मुझे अपडेट तो ये बहुत शानदार लगा, यही नया चेंजेस था। और आप देखेंगे यहाँ पर इसमें और कुछ नए चेंजेस नहीं किए, अदर फीचर इंप्रूवमेंट एंड बग्स फिक्स किया गया, फीचर को इम्प्रूव किया था और बग्स को फिक्स किया गया था, मेन चीज यही थी दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो कुछ कमेंट हो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन भी दबाना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले अपडेट आए। तो थैंक यू दोस्तों।